सर ले लो 500 रुपए का और लगे छोड़ के जा सकते हो। ऑटो ले रहे रास्ते के अंदर देख लो भाई साहब, और ये रास्ता ना मतलब ज्यादा चढ़ाई वाला नहीं है। जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे पड़े थे तो यहाँ पे रुक के उन्हें पलट के देखा। गुलशन कुमार जी का यहाँ पे लंगर चलता है, भवन है। तो नहा धोके रेडी हो चुके, खाना आ गया है और ये पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहे हैं। ये मोटा मोटी छोड़ के अकेले खाने बैठ गया, कोई बात नहीं। तो ये सब खाना खाने में लगे, मैं भी चलता हूँ खाना खाता हूँ, फिर यात्रा पर्ची की बुकिंग काउंटर पे मिलते हैं, नहीं तो मैं बुक करूँगा खुद ऐप से, तो उसकी डिटेल मैं आपको ऐप पे बताऊँगा। तो दोस्तों जर्नी करने जा रहे हैं शुरू, अभी निकल रहे हैं यहाँ से वैष्णो देवी के लिए। पहले चलते हैं यात्रा पर्ची लेकर के आते हैं, यात्रा पर्ची लेने के बाद में, अच्छा हाँ, मैं जो लिंक आपको मिलेगा ना उस लिंक में एक चीज़ याद रखना, आप 1 या 2 या 3 दिन पहले देख लेना, मतलब मिनिमम 2-3 दिन पहले आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो यात्रा पर्ची के लिए, बाद में फिर नहीं मिलती है। ये माता का भवन है और ये बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड से ही आपको शिवखोड़ी के लिए भी बस मिल जाती है। आप आते हो तो अगर भवन पर चढ़ाई करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले क्या करो, एक बार यह पता कर लो भाई शिवखोड़ी की बस कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। वैसे 210 या 230 रुपए लगते हैं, उसमें आपको मिल जाती है, और मॉर्निंग में 7 से 10 बजे का टाइमिंग है शिवखोड़ी। ये मोटा हो रहा है खुश, यहाँ पे आप आते हो तो यात्रा पर्ची यहाँ मिलती है। पीछे ये बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड से तो अब ये लाइन में लग गए और निकल चुके हैं, घूमते 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 जाएंगे यार ऐसा इधर से। तो दोस्तों यात्रा पर्ची हमने ले ली है, क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं करवाया था तो फिजिकल आ करके लेनी पड़ी है यात्रा पर्ची, और यात्रा पर्ची लेकर निकल चुके हैं, ये सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। टाइम की बात की जाए तो टाइम देख रहे हो 4:45 हो रहा है इस समय, और हम निकल चुके हैं चढ़ाई करने के लिए, धीरे धीरे चलेंगे यहाँ से, टाइम अपना बहुत है आज। हाँ ये है कि उम्रदराज व्यक्ति भी हमारे साथ, बच्चे भी हैं, तो धीरे धीरे करके भी जा पाए उसके हिसाब से निकले हैं, कि आराम से हम निकल जाए और बिना कोई प्रॉब्लम, मतलब चले भी पर दिक्कतें ज़्यादा हमको फेस नहीं करनी पड़े। तो इसी के साथ न्यू ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ मैं, आप सबका स्वागत है ड्रीम वे के ऊपर, मैं राज और सिमरन, सिमरन किधर है, ये रही, हम आप सबका वेलकम करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ऑल पर सेट करना, दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप जैसे ट्रेन से उतर रहे हो और सिंगल और सोच रहे हो यार होटल ले करके हम टाइम ला ले गए, और अगर आपको ये लगता है कि हमें रेस्ट नहीं करना तो डायरेक्ट भी निकल सकते हो, यहाँ पे जगह जगह पे धर्मशाला है, आप वो धर्मशाला का यूज़ करके, मतलब आपकी इच्छा है को अगर कुछ देना चाहो तो दे दो, नहीं तो धर्मशाला का यूज़ करके आप नहा धो करके वहाँ पे, और रास्ते में ना आपको हर जगह है ना, जब चढ़ाई करने लगोगे ना भवन के लिए तो हर जगह आपको साधन वगैरह मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो लंच पे या डिनर आप जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसे ऐसे फोटो सेशन जैसे होता है वैसे ऐसे फोटो सेशन भी कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो पूछ लेते हैं। तो यहीं से यात्रा शुरू होती है, ये गेट है, यहाँ चेक पॉइंट है, यहाँ पूरी चीजें चेक की जाती है आपकी, तो याद रखना चमड़े वगैरह की और ऐसे कोई भी चीजें लेके मत आना जो आपत्तिजनक हो, जिससे आपको प्रॉब्लम हो, रिटर्न जाना पड़े। तो चलिए भाई चेक पोस्ट पे चेक करवाते हैं खुद को और आगे के लिए निकलते हैं, कुछ फोटो वोटो बनवा लेते हैं, जो फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, जो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा दोनों हैंडल आईडी पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलिए एंट्री करते हैं फिर मिलते हैं। तो इस तरह से पूरे अपने लाइन लगती है और लाइन लग के कम्प्लीटली अंदर हम पहुँच जाते हैं, तो आप भी आओगे तो आपको भी ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी। तो चलते हैं यहाँ पे, ये आगे चेक पॉइंट है, यहाँ चेक वगैरह कराएंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारी बुढ़ी अम्मा आ रही है पीछे से, इनकी यात्रा शुरू होते इन्होंने यहीं पे डंडा पकड़ लिया है, अभी आगे देखो पता नहीं क्या करेंगे ये जाकर के। तो
पीछे चेक पॉइंट है, वहाँ से चेक करवा के एंट्री कर ली है और यहाँ से पदयात्रा हमारी शुरू होती है। तो बोलो साचे दरबार की जय। अभी क्या कुछ रास्तों पे काम चल रहा है, अपने आप बोर्ड में देखोगे ये ऊपर जो बोर्ड आ रहा है ये वाला, तो ये है ना रास्ता, यहाँ से है ये रास्ता, यहाँ से चालू होगा कुछ दिनों के बाद में, अभी से काम चल रहा है पूरा, कुछ दिनों के बाद ये चालू हो जाएगा। और ये रास्ता तो अभी चालू तो है नहीं, मतलब चालू होगा तो आपको डायरेक्टली भवन तक लेकर के जाएगा ये। ये है पापा जी, देखो ये है लंगर वाला रास्ता। हाँ खुल रखा होगा, गुलशन कुमार जी का यहाँ पे लंगर चलता है काफी समय से। अब वो देखो हम आते हैं हर बार, उनकी प्रसादी खा नहीं पाते, शायद शाम को चालू होगा ये, अभी तो बंद है ये, तो रिटर्न में देखेंगे, अगर रिटर्न में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो आते जाते रहते हैं माता के दरबार में। एक जगह और है यहाँ पे, देख रहे होगे आप, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से भी ट्रैक करके नए रास्ते पे जा सकते हैं। पर तो दोस्तों थोड़ी चढ़ाई कर करके बीच में माता का एक और मंदिर पड़ता है, कहा जाता है कि उन्होंने माता की खोज की थी, तो पहले आप दर्शन कर लो। ओके ये है बस मेरा हिप्पोपोटामस को चाय पीना है मोटे को, ये रास्ते पर चढ़ता रहता है, मेरे को माने से क्या होगा, जो सच्चे सच्चे चार कदम चलेगा फिर ये खिलाओ। दोस्तों अभी यहाँ पे रुके हुए तो चाय वगैरह बनती है, वो चाय पियेंगे और यहाँ बैठे हुए तो सिमरन और पापा जी तो चाय पी रहे हैं और मेरे लिए बन रहा है लेमन वाला, मैं लेमन वाला बैठ हमारी लेमन आ गई है, इनके कहीं चाय बनी नहीं तो अपना लेमन ग्लास आ गया है, 20 रुपए का मिलता है, अच्छा है, पीता हूँ और मौज उड़ाता हूँ। आपको भी मन करे अगर देख के पीने का तो घर पे बनाओ और पियो, पहले बचपन में छोटे थे ना गोली वाली मिलती थी बोतल, देखो आप दिख रहे हो उसी से बना हुआ है। मंदिर जो अर्धकुंवारे से कुछ समय पहले पड़ता है, कहावत है और मान्यता है कि जब है ना भैरव बाबा पीछे बोलो जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे पड़े थे तो यहाँ पे रुक के उन्हें पलट के देखा था, अपने चरणों के निशान छोड़े थे, ये इसकी हिस्ट्री है। ओके तो इस मंदिर की बात ये बता रही हूँ, आप आते हैं और समय है आपके पास तो यहाँ दर्शन करके जा सकते हैं, बाकी आप बाहर से यहाँ से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ।
तो दोस्तों अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं अभी सबके साथ निकले थे जिस टाइम पे। अभी का टाइम अगर आप देखोगे तो अभी का टाइम हो रहा है 8:30 का। बच्चे थे, रुकते रुकाते आए पर सही पहुंच गए। अभी थोड़ा घोड़ों यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल वगैरह है क्योंकि जो घोड़ों से आते हैं तो उनके लिए भी जगह है। तो इस क्राउड से निकलता हूँ और बस अब यहाँ से निकल जाएंगे हम अर्धकुंवारी से भवन के लिए। तो सबसे इन्फॉर्मेशन वाली बात है, आप इस बस है ना वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे कई लोग मिस्टेक कर देते हैं जाने में और जिसके कारण उनको सफ़र में बहुत परेशानी होती है। और मिस्टेक होती किस जगह पे है, जो रास्ता आ रहा आगे है। तो सामने दिख रहा है व्यू, वीडियो हो तो आप डाउनलोड करके ले आना अगर नेट नहीं चल रहा है तो। ये बोर्ड दिख रहा है सामने 6.5 किलोमीटर, तो ये पुराना वाला रास्ता है ठीक है। और ये है जो नया बना हुआ है ये वाला, तो है ना ये जो नया वाला रास्ता है ना जहाँ पे दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर, तो इस नए वाले रास्ते पकड़ना है। इसको कई लोग है ना बैटरी वाला रास्ता भी बोलते हैं। तो ये पकड़ते हो ना तो सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि इस पर चढ़ाई नहीं है। उस पर देखो कैसे है, दिख रहा हो कैसे चढ़ाई हो रखी है भयंकर, तो उस पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये वाला है तो इसके ऊपर चढ़ाई उतनी नहीं पड़ती है, बहुत आराम से आप चढ़ के चले जाते हो उसके लिए, मतलब नॉर्मल रास्ता है। चलो चेक पोस्ट उसके बाद मिलता है। तो मैं और मोटा मस्त चल रहे हैं। अभी मोटे ने मुझे रास्ते में बहुत परेशान किया पर मैं कैसे भी झेल लिया। घर से निकला था तो मेरे सिर पे बहुत सारे बाल थे पर यहाँ आते आते मेरे सारे बाल उड़ गए क्योंकि इन्होंने खींच खींच के सब उखाड़ के उड़ा दिए। फिर जो नए आदमी उनको पता होगा, पुराने को तो पता है कि बाल है ही नहीं। नीचे से आप आते हो और इस रास्ते को लेते हो ना तो यहाँ पे बैटरी वाली गाड़ियाँ भी मिलती है। इसकी लिंक मैं है ना ऐप वीडियो में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। याद रखना घर से निकलते हो ना एडवांस बुकिंग 2 से 3 दिन पहले करोगे तब ये मिलेगी, नहीं तो यहाँ आकर के ना बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो दोस्तों जो नया रास्ता बता रहा था ना वो यहाँ से है जो नीचे से आता है और ये मुझे जैसा अभी कंडीशन में दिख रहा है मुझे लग रहा है चालू हो चुका है। तो अगर आप आते हो ना तो आप वीडियो में या पहले वीडियो जो आई होगी उसमें जाके देखोगे तो उसमें मैंने इंडिकेशन दिया है कि कहाँ पे रास्ता शुरू होता है, वहां से पकड़ो और आप आ जाओ। अभी नया है तो इसमें क्राउड कम है पर ये रास्ता चालू है और लोग इस पे आ जा रहे हैं तो आप आ सकते हो। बाकी आप है ना आने से पहले खुद भी चेक कर लेना कि भाई क्या है कैसे है। अगर आपको अर्धकुंवारी का भी दर्शन करना है ना तो इंडिकेशन यहाँ पे दे रखा है, ये रास्ता है यहाँ से वापस ही चला जाता है अर्धकुंवारी के लिए। तो फायदा इसमें क्या है, एक तो इसमें खच्चर नहीं आएंगे, पहली चीज तो आप बस पब्लिक ही चलने वाली रहेगी तो हेडक नहीं इसमें। और ये रास्ता ना मतलब ज्यादा चढ़ाई वाला नहीं है, इजी है, सही है रास्ता ये। खैर इस बार नहीं, अगर नवरात्रों में जब प्लान बनता है तो आप इस रास्ते से आइए और आपको नई वीडियो ऐसी ही मिलेगी। तो दोस्तों चैनल करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो ऑल पे सेट, तभी आपको नई वीडियो मिल पाएगी। आप उस रास्ते से आओगे, उससे आओगे उस रास्ते से आकर के ऐसे घूम करके और ये वाला जो रास्ता है ना ये चला जाता है अर्धकुंवारी के लिए और यहाँ से ये रास्ता चलाता है भवन के लिए। तो खैर हमको अर्धकुंवारी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अर्धकुंवारी अब मैं और सिमरन आएंगे अकेले तब जाएंगे क्योंकि टाइम चाहिए कम से कम 2 से 3 दिन का क्योंकि अर्धकुंवारी में हमेशा क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो जिसके कारण बिना टाइम दिए नहीं हो सकता। तो हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए थे, कुछ सरप्राइज है जो आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी। तो बस दर्शन हो जाए एक बार और जिस काम को एक और आए वो काम फटाफट पूरा हो जाए, उसके बाद में अगली बार जब आना होगा ना जब भी माता रानी का बुलावा लगता है तो अब मैं और सिमरन आएंगे और रुक करके अर्धकुंवारी के भवन के दर्शन करके भी जाएंगे, वहाँ का भी व्लॉग आएगा आपको। एक परम शांति के साथ धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। फेमस हो गया ऐसा देख रहे हो, रास्ते में फैन वगैरह मिल रहे हैं, लोग फोटो शोटो खींच रहे हैं अपनी, देख रहे हैं फोटो शोटो चलने लग गई, फेमस हो चुके हैं। सिमरन भी फेमस हो गई, मैं भी फेमस हो गया हूँ, लोग फोटो वोटो ले रहे हैं रास्ते के अंदर। देख लो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे अब। और ये हमारी छोटी सी खुल्ली है जो यहाँ बैठी हुई है, इनको नाना जी जब से मिले हैं तब से कोई मतलब नहीं मम्मी पापा से। लड्डू खाओगी कैसे, दांत तो टूट के गिर गए थोड़ी देर पहले आपके। ये बेचारे के ट्रिप में दांत टूट जाता है, फोटो का सत्य रहा सच्ची का सत्य रहा। छोटा लो, अरे ले लो खा लो, पापा लो। बेटा हाथ लगा के खाना नीचे से, और अब तो टूट गया दांत तो कैसे भी खाओ।
हाँ खाओ, सामने से काट लो, अपने इधर देखो, सामने से काटो। तो गुन्नू अपने नाना नानी के साथ में चल रही है और पीछे इनकी मम्मा और मासी हैं। गुन्नू के लिए और इनके लिए भी एक अच्छी सी याद हो गई जिसमें ये नहीं करना जिसके अंदर ही हम देखेंगे कल को कि हाँ मैं कैसे अपने नाना नानी के साथ में चल रही थी। पीछे देखो वो दोनों उधर आ रहे हैं, इधर ये है। टाइम 11:30 और ये भवन के दर्शन आपको अभी करा रहा हूँ मैं। जो जो नहीं देखा है वो यहाँ से देख सकते हैं, भवन का दर्शन है पूरा ये। अंदर तो आपको ये पता है कि कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर तो लेके भी नहीं आ सकता मैं। तो यही भवन के दर्शन है। आप ऐसे यहाँ से भी अपनी मुरादों को मांगने के लिए या जो भी आपकी इच्छा है इस वीडियो को देखते हुए मांग सकते हो आप, या कमेंट करके बताना आपने क्या मांगा। अगर आप बताना चाहो तो कमेंट करके बताना जरूर कि भाई आपकी कौन सी मुराद थी जो माता रानी ने पूरी कर दी। चलो आपने जो विश मांगी वो भले आप मत बताओ, पर आपकी ऐसी कौन सी मुराद है जो माता रानी ने पूरी की है, कमेंट जरूर करना उसके अंदर कि आप आए हो कभी तो आपकी कौन सी मुराद पूरी हुई है। तो चलिए आपने दर्शन कर लिया होगा, चलते हैं फटाफट। मैं भी अंदर जाऊँ, अंदर से जा करके दर्शन वगैरह कम्प्लीट करता हूँ। ये रोप वे है जो सामने दिख रहा है, ठीक है, ये सेट जो लगा हुआ है ना, ये रोप वे का पूरा सेट है। नॉर्मली दिन में चलता है, रात में चलता ही नहीं है। और यहाँ से ये सामने दिख रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये यहाँ से रोप वे स्टार्ट होता है। यहाँ लाइन वगैरह पूरी लगती है, वो लाइन पूरी वैसे प्रोसेस करके ऐसे आती है, उसे घूम करके नीचे आ जाते हैं, फिर बैठ के ऊपर चल जाते हैं। बस ये कि दिन में चलता है, नाइट में नहीं चलाते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हो जाए तो। इसके लिए ज़्यादातर दिन में ही चलाते हैं इस रोप वे को। मॉर्निंग में 8 बजे से आप जो ऐप मिला है ना वहाँ से भी इसकी बुकिंग कर सकते हो रोप वे की। तो सब कुछ है आजकल, अब तो ऐप पे हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आराम से सारी बुकिंग्स ऐप पे क्लियर हो जाती है। अब चल रहे हैं, बैग वगैरह जमा करेंगे, प्रसाद लेंगे। और क्राउड तो बिल्कुल नाम मात्र का दिख रहा है, ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है अभी के हिसाब से कि जल्दी दर्शन हो जाने चाहिए। लगेज कहाँ रखा हुआ है आपको दिखा दूंगा, किस जगह पे लगेज रखा है। रोप वे की टिकट काउंटर वगैरह सब यहाँ से मिल जाता है, ले करके आप नंबर लगा करके। इधर से लाइन लगती है, पूरी लाइन बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे टिकट शुल्क वगैरह सब लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके वो देख लेना, ये सारी चीज़ें टिकट शुल्क के हैं, सब कुछ है। वहाँ जो पहले दिखाया है वहाँ से टिकट आपको मिलेगी और यहाँ से इसकी लाइन लग जाती है। तो नॉर्मली टिकट आप कटा करके लाइन में लग करके बैठ के इंतजार करना होता है सुबह या मॉर्निंग में, जैसे धूप निकल जाती है तो फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं, आप इसी से जाते हो और उसी में वापस आ जाते हो। तो ये एक भैरव मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि भैरव जी की चढ़ाई थोड़ी तीखी होती है यहाँ से। तो चलिए लगेज पे बोलता हूँ आपको मैं। तो ये रास्ता जैसे भैरव जी के लिए है, पर अभी क्यों आपको दिखा रहा हूँ, पहले दर्शन तो अभी करने बाकी है, ऐसा नहीं कि भैरव जी जा रहे हैं हम। अभी इसके लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मैं लगेज है ना, मैं वहाँ पर जाता हूँ तो क्या क्राउड वगैरह, कभी आप ऐसे टाइम पे आते हो जब आपको ज़्यादा क्राउड मिल रहा है तब आप यहाँ पे लगेज अपना रख सकते हो। बहुत ये वाली शॉप है, हमेशा इसी शॉप पे मैं रखता हूँ, तो आप भी यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे अपना लगेज वगैरह इस शॉप पे रख करें, मतलब प्रसाद ले लो 500 रुपये का और लगेज छोड़ के जा सकते हो। जगह है इनके पास में, रख लेते हैं। हर बार आता हूँ मैं तो हर बार यहाँ पर जगह मिल जाती है, लगेज रख के चले जाते हैं। फिर सब बैठते हैं, फिर मैं ये देखिए नीचे बॉक्स वगैरह वगैरह हैं, तो इसी में आप 500 रुपये का प्रसाद लो, आपका लगेज यहाँ पे सेफली, बिल्कुल बहुत सेफ रखते हैं ये, चाहे मोबाइल हो कैश हो कुछ भी, बहुत सेफली रखते हैं। तो ऐसे ये बने हुए हैं कॉलम, इसमें सारा लगेज ये बहुत आराम से रखते हैं, जो चारों तरफ दुकानों में बनी हुई है, तो जगह बहुत है यहाँ पे रख सकते हैं।